श्री कृष्णा, प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए एक प्रयोग जो शायद आपकी अभिलाषाओं को, आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर सके। हर किसी की अभिलाषा होती है कि उसके हर कार्य पूरे हों। उसके लिए वह जगह जगह मंदिर में चक्कर लगाता है, मन्नतें मांगता है कि मेरी ये कामना पूरी हो, यहाँ पर ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, इस मंदिर में ये चढ़ा दूंगा, उस मंदिर में वो चढ़ा दूंगा। पर हर किसी की मनोकामना पूरी नहीं होती, उसकी अभिलाषा दिल ही दिल में दबी रहती है। इसलिए यदि शुद्ध मन से भगवान शिव का ध्यान किया जाए तो आपकी जो भी मनोकामना हो वह जल्दी ही पूरी होती है। मनोकामना पूर्ति के लिए ये एक उत्तम प्रयोग है जिसे संपन्न कर आप अपनी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरा कर सकते हैं। आप भी कोई एक कामना के साथ इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। ये प्रयोग महाशिवरात्रि के दिन या श्रावण पक्ष में किया जाता है तो ज़्यादा शुभ रहता है और जल्दी फलित होता है। इस प्रयोग को आरंभ करने से पहले स्नान आदि करके अपने पूजा घर में सफ़ेद धोती पहनकर और सफ़ेद ही आसन पर आप विराजमान होइए। आचमन आदि क्रियाओं को करने के बाद दाएं हाथ में जल लेकर अपना नाम, गोत्र, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कुल देवता देवी यदि कुछ याद हो तो उनका नाम, अपना जन्म स्थान, अपना वर्तमान रहने का स्थान, पूरा ऐसे संकल्प में ऐसे बोलना है। उसके बाद में अपनी कामना बोलनी है और बोल करके जल भूमि पर आपको छोड़ देना है। अब गणेश और गुरुदेव का पूजन करना है। इसके बाद में गुरु का कोई मंत्र दिया हुआ होता है तो उसका भी एक माला या जितना बताया गया है गुरु द्वारा उतना माला जाप करना है। फिर शक्ति का जप कर लें, यानी पार्वती का, माता काली का, दुर्गा का, कोई भी आपको यदि कोई मंत्र आता हो तो उसकी भी एक माला आप कर लें। अब गणेश गुरु का पूजन कर फिर एक थाली में रोली से त्रिशूल बना लें और उस पर एक बिल्व पत्र रख दें। इस बिल्व पत्र का गंध, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप, दीप में देशी गाय का घी होगा, उससे पूजन कर लें और दोनों हाथ खोलकर भगवान शिव से अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर भगवान शिव का ध्यान करते हुए जो मंत्र मैं बता रहा हूँ बिना माला से 30 मिनट तक लगातार इस मंत्र का आप जाप करें। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम मम महादेवाय मनोवांचितम सिद्धये, ओम नमः, ओम मम महादेवाय मनोवांचितम सिद्धये, ओम नमः। इस तरह ये प्रयोग आपको 11 दिन तक करना है जो कि शिवरात्रि से या फिर श्रावण मास से शुरू होगा। प्रयोग पूर्ण होने के बाद बिल्व पत्र को किसी शिव मंदिर में रख दें या किसी नदी में प्रवाहित कर दें। नित्य मंत्र जप समाप्ति पर पुनः उनसे प्रार्थना करें और भगवान शिव की आरती करना न भूलें। मित्रों, यदि इस तरह से आपने इस प्रयोग को किया तो आपकी कोई भी एक मनोकामना बड़ी शीघ्र पूरी हो जाएगी और भगवान की आप पर कृपा रहेगी। तो कैसा लगा ये वीडियो? यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो शेयर करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।